हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज के करंट अफेयर यानी कि 7 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर को हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ये 1948 को बना था 7 अप्रैल को, इसलिए हम ये मनाते हैं। इस दिन सभी लोगों को जागरूक कराया जाता है हेल्थ के बारे में। इस बार की जो थीम है वो हेल्थ फॉर होल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का कौन सी कंट्री है जो अपने देश का खुद का पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रही है 10 अप्रैल को? तो राइट आंसर इसका रहने वाला है बच्चों केनिया। केनिया का ये रहने वाला नाम इसका तैफा होगा, तैफा, जैसे मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पर, तैफा रहने वाला है। ये लॉन्च होगा स्पेस एक्स फाल्कोन एंड रॉकेट से, और कहाँ से? कैलिफोर्निया से लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स आपको पता है प्राइवेट कंपनी है एस्ट्रोनॉट में, और ये डाटा जो कलेक्ट करेगा वो एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के में यूज़ किया जाएगा। इजिप्ट जो है वो फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री था जिसने ऐसा कोई सैटेलाइट भेजा था 1998 के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अभी केनिया के जैसे यहाँ पर जिक्र हुआ था, तो केनिया की कैपिटल आपको नैरोबी पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिनेंट में पड़ता है इसका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन सी सिटी है जिसने रिसेंटली बैन कर दिया है ई स्कूटर्स को रास्ते में चला, स्ट्रीट्स, गलियों में चलाने के लिए बैन कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। पेरिस ने लगभग वोटिंग कराई गई थी जिसमें 89% लोगों ने इसके के लिए वोट किया था कि हम इनको बैन कर देते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रहे थे। ठीक है, अगला है कौन सा स्टेट है एयरफोर्स ऑफ इंडिया और US कंडक्ट कराएगा कोप इंडिया एक्सरसाइज? पहला क्वेश्चन तो यही है कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और USA की है, नाम क्या है? कोप इंडिया। 10 से 21 कहाँ पर होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। और भी कुछ एक्सरसाइज हुई हैं रिसेंटली, आप देख सकते हैं कोंकण किसके बीच में हुई है, इंडिया और UK। अपेंडिक्स किसके बीच में हुई है, इन अफ्रीका और इंडिया के बीच में। थर्ड ड्रैगन एक्सरसाइज हुई है इंडिया और USA के बीच में। और 13th बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज हुई है इंडिया और सिंगापुर, याद रखना। ये हाल ही में हुई कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जो आपको रिवाइज के लिए मैंने यहाँ पर लगाई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी IIT है जिसने ऑर्गेनाइज किया है यूथ 20 कंसल्टेशन अंडर द G20 प्रेजिडेंसी ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों कानपुर। कानपुर इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, जो जो हाल फिलहाल में मीटिंग्स हुई हैं मैंने सारी यहाँ पे लगा दी। जैसे फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप पूछेगा तो आपका गुजरात में रन ऑफ कच्छ में हुई थी। ठीक है, और रिसेंटली मैंने कल ही बताया था फोर्थ बिजनेस मीटिंग कहाँ हुई थी, कोहिमा नागालैंड में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया है 18 लार्ज स्टेट्स ऑफ इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट आई थी 2022 की, उसमें टॉप किया है कर्नाटक ने। तमिलनाडु सेकेंड रहा है, तेलंगाना थर्ड रहा है, और 18th पोजीशन उत्तर प्रदेश की रही है सबसे नीचे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर कंसीडर किए जाते हैं, जैसे पुलिस, जुडिशरी, प्रिजंस, लीगल एड कितनी जल्दी मिलती है वहाँ पर, ये सब। अब बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में। तो टाटा ट्रस्ट इसको लॉन्च करता है, पहली बात आपको याद रखनी है। 2019 में सबसे पहले लॉन्च हुई थी ये, जो है थर्ड बार रिपोर्ट आई है। कर्नाटक का जिक्र हुआ था तो बेंगलोर कैपिटल, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे विश्वराज बोमी हो जाएंगे, गवर्नर थावरचंद गहलोत हो जाएंगे। ठीक है, और फोक डांस भी याद रखिएगा यहाँ का, यक्षगानम। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली डिसाइड किया है एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इन द स्टेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने ग्रांट किया है GI टैग नगारी दुबराज, ये एक खुशबू वाले चावल होते हैं, इनकी एक अलग पहचान है, ब्रांड है। तो ये जो दुबराज चावल हैं ये कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसे आम है देखो, मोरेना और रेवा मैंगो जो मध्य प्रदेश है, इन्हें भी वहाँ क्या GI टैग मिला है। जब भी कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, और उसी का यूज़ पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है, तो उसको GI टैग दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, भूपेश बघेल आगे जी CM है, गवर्नर कौन है? अनुसुईया उकई है। ठीक है, और किस चीज़ को मिला है GI टैग रिसेंटली? कांगड़ा टी होगी हिमाचल की, तंदूर रेडग्राम तेलंगाना का, रक्से करपो एप्रिकोट हो गया लद्दाख का, गमोचा हो गया असम का, ये भी याद रखना है। कौन सा फेमस पान है उत्तर प्रदेश का जिसको GI टैग मिला है? तो बनारसी पान इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा बैंक है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है प्रीमियम पेरोल पैकेज फॉर सैलरी अकाउंट? सैलरी अकाउंट के लिए ऐसा पैकेज वो
स्टार्ट करने जा रहा है, कौन सा ये बैंक रहने वाला है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका कैनरा बैंक। कैनरा बैंक से एक दो क्वेश्चन याद रखना, 1906 में बना था, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी कैन। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हु हैज़ बीन कन्फर्म्ड विद फ्रांस, फ्रांस का सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है, अपना है जैसे भारत रत्न, ऐसे ही फ्रांस का है, शेवरलियर डे लेगिन डे होनियर, यानी नाइट ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर। ये किसे मिला है? किरण नारदर को मिला है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, भारतीय मूल की हैं इसलिए हमारा ये याद करने का वर्ष बनता है, ठीक है, और काफ़ी गर्व की बात भी है। हाल ही में और कोई इनाम जो मिले थे इंडियंस को वो भी याद रखने, जैसे अपने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने नवीन जिंदल को दिया था, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जम्मू कश्मीर के आलिया मीर को मिला था। कन्फर्ट स्पेशलिटी अवार्ड भाग बंधु को मिला था, शेख मजुमदार को, ठीक है, याद रखना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉन्च बुक गांधी सियासत है और संप्रदाय, इसके जो लेखक है वो कौन है, तो आंसर हो जाएगा पीयूष बोबली, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज की हमने करंट अफेयर फटाफट रिवाइज़ कर ली, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और रिवाइज़ होगी होगी। वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बाकी लोग लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टाटा एंड बाय बाय।